नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं उमंग राज और आप देख रहे हैं इजी सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाई के बारे में। हम आपको कई सारे तितली से जुड़े रोचक जानकारी बताएंगे। तितली को आप सभी लोगों ने बचपन में पकड़ा ही होगा, तो आज उसी तितली के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका कीमती समय ना लेते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो पर और करते हैं शुरुआत। फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आज हम आपको तितली मतलब बटरफ्लाई के बारे में बताएंगे। अगर आप तितली के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, तभी आपको तितली के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम तितली के बारे में, क्या उसकी रोचक जानकारियां हैं। तितली ज्यादातर अक्टूबर के महीने में दिखती है। तितली में कई प्रकार के रंग मिश्रित होते हैं जो कि आपको मनमोहित कर देती है। पूरी दुनिया में तितली का लगभग 20,000 प्रजातियां हैं, जिसमें कि इनकी 1500 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं तितली का जीवन काल बहुत कम होता है, यह लगभग 1 से 2 सप्ताह तक ही जीवित रह सकती है। तितली एक ऐसा जीव है जिसे ठंडे खून का प्राणी माना जाता है। यह एक छोटा सा कीट होने के बावजूद भी तितली 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। दुनिया में सबसे बड़ी तितली का नाम जायंट बर्ड विंग है। तितली में सुनने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन यह वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। क्या आप जानते हैं तितली पैब्रेगेनिक किरणों को देख सकती है, जिन्हें इंसान नहीं देख पाता है। तितली भोजन के रूप में फूल पत्तियां इत्यादि खाती हैं। लगभग अधिकांश तितलियां शाकाहारी होती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तितली आपकी उड़ान से 3000 फीट तक उड़ सकती है। जिस अंडे से तितली बाहर निकलती है, उसी अंडे का छिलका उसका पहला भोजन होता है। तितली के आंखों में 6000 लेंस लगे होते हैं। पूरी दुनिया में मोनार्क तितली एकमात्र एक ऐसी तितली है जो सर्दियों में 2500 मील की यात्रा करती है। तितली की कुछ प्रजातियां केवल एक ही प्रकार के पौधे पर अंडा देती हैं। तितली के बारे में इस तथ्य से बहुत कम लोग परिचित हैं, तितलियों को उनके एंटेना और पैरों से गंध और स्वाद का ख्याल आता है। कुदरती आवास घटने और पर्यावरण में बदलाव आने से पिछले एक दशक में मोनार्क तितली की संख्या में 80% तक की भारी गिरावट हुई है। कई परीक्षण में साबित हुआ है कि कैद में रखी अधिकांश मोनार्क तितली में सफलतापूर्वक प्रवास करने की क्षमता का अभाव हो जाता है। मोनार्क कैटरपिलर अपने शरीर के किनारों में बने छेद के माध्यम से सांस लेता है। वर्ष 2002 में मेक्सिको देश में 250 मिलियन मोनार्क तितलियां कम तापमान वाले एक विनाशकारी तूफान के कारण मारी गई है। सूत्रों के मुताबिक अनुमानित 80% तितलियों की मृत्यु पर्वत ओवरनाइट के दौरान हुई थी। अगर हम तितलियों को मौका देते हैं तो वो आपका खून, पसीना और आंसू तक पी सकती है। अटलांटिका को छोड़कर हर महाद्वीप के ऊपर तितलियां मौजूद है। हमारी पूरी धरती पर लगभग 2400 से भी ज्यादा प्रकार की तितलियां इस समय मौजूद है। तितली के पंखों को हम लोग आर पार देख सकते हैं। इनके अंदर 4 पंख होते हैं, लेकिन धरती के ऊपर पाए जाने वाली सबसे बड़ी तितली के पास 12 पंख मौजूद होते हैं। तितलियां बहरी होती हैं, यह सुन नहीं सकती हैं, लेकिन इनके अंदर की क्षमता वाइब्रेशन को महसूस कर लेती है। अमेजोन के जंगलों में पाए जाने वाली तितलियों के शरीर में सोडियम की कमी होती है और अपने इसी कमी को पूरा करने के लिए यह तितलियां कछुओं के आंसू को पीती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तितली 12 इंच की है। दुनिया की सबसे छोटी तितली की साइज 0.5 इंच के बराबर है। तितलियां तभी उड़ सकती है जब इनके शरीर का तापमान 85 डिग्री फ्राइट से अधिक होता है। तितलियों की आंखें अल्ट्रावायलेट किरणें को देख सकती हैं, क्योंकि इनकी आंखों में 6000 लेंस लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जान पाए होंगे तितलियों से जुड़े एक रोचक तथ्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा फ्रेंड्स, और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा भी होगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले नए अपडेट्स सबसे पहले पहुंचे आप तक।